हेलो डियर एस्पायरेंट्स, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर की। तो अभी प्रेसी के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, आज हम उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस और फिर उससे फॉरवर्ड हम जाएंगे समरी और प्रेसी के डिफरेंस पे, और फिर टाइटल के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। तो आज हम प्रेसी के ओवरऑल इंट्रोडक्शन देखते हैं। एक एक्चुअली पैसेज दिया होता है जिसके अंदर आपके 20 मार्क्स होते हैं और यू आर सपोज टू गिव सम टाइटल एंड यू आर सपोज टू प्रिसाइज दैट पैसेज इन योर ऑन वर्ड्स, बट ज़ाहिर है थाट्स वगैरह और वो सारा कुछ जो कंटेंट है वो आप उसी का राइटर का लेंगे, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं वो इनकलकेट कर सकते, जो कि लिखा होगा आपके लिए सिर्फ उसी को फॉलो करना होगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है रियलाइज करना, और वो ये है कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि श्योर थे कि उन्होंने 60-75 मार्क्स का अटैम्प्ट किया है और बहुत अच्छा अटैम्प्ट किया, बट देवर कन्फ्यूज़ कि अनफॉर्चुनेटली उनकी प्रेसी रह गई है, उन्होंने फिर इसका टाइम को किसी और पार्ट्स में मैनेज करके उनको ज़रा परफेक्टली अच्छे से अटैम्प्ट कर दिए, बट जब रिज़ल्ट आया तो वो फिर फेल ही निकले। मोस्टली मेरे जानने वाले दोस्त ऐसे थे जिन्होंने किसी डर से प्रेसी के ऊपर कमांड नहीं थी या उसकी प्रैक्टिस नहीं थी या वहाँ पे पैराग्राफ रिलेटिवली डिफ़िकल्ट आ गया, जो इनिशियली एक पहली लुक में एक बर्ड्स आई व्यू में ज़रा डिफ़िकल्ट लगा उनको, तो उन्होंने कहा कि बजाय इसको करने के हम बाकी पोर्शन को अच्छे से अटेंड कर लेते हैं और उसमें अकोमोडेट हो जाएंगे हमारे मार्क्स। फॉर एग्जांपल कॉम्प्रिहेंशन को अच्छा कर लेते हैं, ट्रांसलेशन को और बाकी चीज़ों को अच्छा कर लेते हैं, तो उनके बहुत कैलकुलेटेड से मार्क्स हैं तो पास तो इंशाल्लाह आराम से हो जाएगा, बट जब रिज़ल्ट आया तो वो मोस्टली फेल होते थे। तो उसकी रीज़न यही है कि फ्रेंकली स्पीकिंग प्रेसी इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर ब्यूरोक्रेसी, ये इसके ऊपर आपका कंप्रोमाइज नहीं बर्दाश्त कर सकते, ये आप अगर छोड़ के आएंगे या गलत अटेम्प्ट करके आएंगे तो देर आर लॉट ऑफ चांसेस कि आप फेल ही हों, आपके पास के चांसेस बहुत कम हैं। कोई एक आध एक्सेप्शन है तो वो मैं नहीं यहाँ पे डिस्कस कर रहा, बट मेनली चांस कम है पास होने का, क्योंकि ये आगे आपकी पूरी जॉब नेचर, अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन अगर देखें तो आपको आइडिया होगा कि ये जो आपका फाइल सिस्टम है या ओवरऑल कोई भी आपके पास एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कुछ भी आता है, यू हैव टू एनालाइज एंड यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू प्रिसाइज कॉन्टेक्स्ट में उसको करना है। तो अगर आपको प्रेसी नहीं करनी आती तो आप उनके लिए यूज़लेस है, आपका कॉम्प्रिहेंशन प्रेसी में फिर आपके बारे में बहुत कुछ जांच हो रहा था, आपका कॉम्प्रिहेंशन एंड योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस दैट कॉम्प्रिहेंशन, जो आपने कॉम्प्रिहेंड किया उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, एंड योर एबिलिटी टू डिस्कार्ड सुपरफ्लुअस थिंग्स, आप गैर ज़रूरी चीज़ों को एलिमिनेट करना जानते हैं और ये आइडेंटिफाई करना भी जानते हैं कि कौन सी ज़रूरी है और कौन सी गैर ज़रूरी है। तो ये आप जहन में रखें कि प्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 20 मार्क्स होते हैं, 5 मार्क्स का टाइटल, 15 मार्क्स की आपने वैसे अटेम्प्ट करनी होती है, और एक पैसेज दिया होता है उसको आपको प्रिसाइज करना होता है इन योर ऑन वर्ड्स विद सूटेबल टाइटल। तो ये इसकी ओवरऑल इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं जब आप प्रेसी कर रहे हैं।